सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने टेस्ट नंबर 18 पर। तो चलिए जल्दी लीजिए स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट नंबर 18 के पार्ट फर्स्ट को, ठीक है? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग हमें बताना है। सबसे पहले बोल रहे हैं, इट इज़ अपेक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज फॉर कैरिंग आउट स्टडीज ऑन वाइल्ड प्लांट रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। सबसे पहले वाइल्ड प्लांट रिसोर्सेज पे स्टडी करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ये बॉडी बनी है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोले हैं बोटानिकल, जो क्या बोलते हैं, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई, इसी मिनिस्ट्री के अंडर बनी है और इसीलिए बनी है। सेकंड बोल रहे हैं, इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन कलकत्ता वेस्ट बंगाल, ये कलकत्ता वेस्ट बंगाल में हेडक्वार्टर्ड है, बिल्कुल वहीं पर हेडक्वार्टर्ड है। तीसरा, इट डज एक्स सी टू कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकली थ्रेटन्ड स्पीसीज इन बोटानिकल गार्डन, बिल्कुल ये एक्स सी टू कंजर्वेशन करती है, जो भी यहाँ पे स्पीसी रहती है उनका बिल्कुल इन सीटू नहीं करती। इन सीटू क्या होता है, जब जहाँ पे स्पीसीज है वहीं पे उसका कंजर्वेशन किया जाए। एक्स सीटू क्या होता है, जहाँ पे स्पीसीज है उससे कहीं बाहर निकाल के उसके मतलब किसी भी चीज़ को जब प्रिजर्व या कुछ किया जाता है उसको बोलते हैं मतलब एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है? तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट तो दिख रही है आपको, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है? और ये कब बनी थी, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनी थी कब, 1890 में। कब बनी थी, 1890 में, ठीक है? उस टाइम पे किसका टेन्योर चल रहा था, कौन था वहाँ तब उस टाइम पे, वो तो वो थे लॉर्ड लैंडसोने। कौन थे? लैंडसोने, ठीक है? तो उस टाइम पे लैंड्स होने थे वहाँ के जो भी वायसराय थे। 1890 में ये बनी थी, हेडक्वार्टर्ड है कलकत्ता वेस्ट बंगाल में, ठीक है? इसी जैसी एक और ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ी होगी, क्या, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है? जूलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया कब बनी थी, इसके बाद बनी थी, 1916 में बनी थी, ठीक है? उस टाइम पे कौन थे, उस टाइम पे थे कौन वायसराय, उस टाइम पे थे चेम्सफोर्ड, उस टाइम पे थे चेम्सफोर्ड, मतलब इससे पहले चेम्सफोर्ड से पहले थे हमारे हार्डिंगे टू गए थे और चेम्सफोर्ड आए थे, तो ये उस चेम्सफोर्ड के टाइम पे बनी थी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है? ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ही है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके हेडक्वार्टर भी कलकत्ता में है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है? तो ये अगर आ जाए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, ये था बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो गया सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यूनेस्को के बारे में बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, क्या बतानी है, नेचुरल बतानी है, कई सारी होती हैं, मिक्स होती हैं, आर्टिफिशियल होती हैं, नेचुरल होती है, तो हमें नेचुरल बतानी है जो यूनेस्को ने मैंडेट किए हैं। काजीरंगा, केलाडो, सुंदरबन और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, तो याद रखना ये जितनी भी दे रखी है ना, ये सारी ही क्या है, हमारी नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया की, जो यूनेस्को में इंक्लूडेड है। काजीरंगा नेशनल पार्क भी, केलाडो नेशनल पार्क भी, सुंदरबन नेशनल पार्क भी और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क भी, ये चारों ही। तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी, ठीक है? मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो ये सारी नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं यूनेस्को ने जो मतलब वो किए हैं, वो किए हैं। इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये भी हमारी एक वैसी साइट है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम सुना होगा, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। इसके अलावा वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स हमारे इसमें आते हैं, ठीक है? कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये हमारी नेचुरल में भी आती है और ये हमारी कल्चरल में भी आती है, याद रखना, ये हमारी नेचुरल में भी आती है, ये हमारी कल्चरल साइट में भी आती है, तो ये कंचनजंगा नेशनल पार्क ध्यान रखना, तो ये भी है हमारा, ठीक है? तो ये सारे किस में आते हैं, ये हमारी नेचुरल लिस्ट में आते हैं, ध्यान रखना, अगर ये भी आ जाए तो भी ध्यान रख लेना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आंसर हो जाता है, सी आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, नेक्स्ट क्या है हमारी, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स के बारे में, ठीक है? नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स के बारे में बताना है। सबसे पहले, एट प्रेजेंट नो वेयर हाउस शैल इशू एनी नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट इन फिजिकल फॉर्म। पहली बात तो एट प्रेजेंट कोई भी फिजिकल फॉर्म में इनको जो है वो इशू नहीं करेगा, सबसे पहले तो ये बोला गया है, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट क्या हमारी बिल्कुल सही है। 2019 से ये रूल आया कि भाई अभी कोई भी जो वेयर हाउस है वो फिजिकल फॉर्म में NWR इशू नहीं करेगा। सेकेंड है, एन इलेक्ट्रॉनिक EWR हैज़ अ टाइम वैलिडेटेड दैट इज़ को टर्मिनस विद द शेल्फ लाइफ ऑफ द कमोडिटी और विड्रॉल ऑफ द कमोडिटी फुली फ्रॉम द वेयर हाउस। बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉनिक जो NWR होता है ये वैसा ही होता है। थर्ड बोल रहे हैं, EWR वंस एंटर्ड विद अ ट्रांजेक्शन सच एज अ प्लेस और ट्रांसफर कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली यूज फॉर एनी अदर पर्पज़, वो किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं हो सकती। तो ये भी अगर वो स्पेशली किसी ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ हुई है तो वो किसी और पर्पज़ के लिए कैसे यूज़ हो सकती है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है, किसके बारे में, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट के बारे में,
तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में भी हमारे क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, ठीक है। और एक क्या नाम लेते हैं, एक मिनट, अगर केवल नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट की बात करें ना, तो NWR ओनली केवल कब इशू की गई थी, 2011 में इशू की गई थी या लॉन्च की गई थी। किस मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं ये, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर। किसके अंदर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आते हैं, ठीक है। किस मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं, किसके मतलब किसने इशू की थी, 2011 में की थी और ये वाली रिसिट इशू की थी। जो ये इलेक्ट्रॉनिक वाली है ये कब से इशू होने लगी है, इलेक्ट्रॉनिक जो नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिट है ये कब इशू होने लगी है, 2018 में होने लगी है। कब होने लगी हैं, 2018 में होने लगी हैं, ठीक है। ये ओनली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल हैं, ठीक है, और रिपोजिटरी से इनको केवल निकाला जा सकता है, यही चीज़ है सारी चीज़। और रिपोजिटरी जो भी है उसमें इनको कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी प्रोवाइड की गई है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके बारे में। और एक और चीज़ है, WDRA रजिस्टर्ड जो वेयर हाउसेज हैं वही इलेक्ट्रॉनिक जो ये नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट हैं ये केवल वही इशू कर सकते हैं जो WDRA से रजिस्टर्ड होंगे। WDRA क्या है, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। क्या है, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये कब बनी थी, 2010 में बनी थी। किसके अंडर बनी थी, 2007 के एक्ट के अंडर बनी थी, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के अंडर बनी थी, जो 2007 में आया था, ठीक है, ध्यान रखना। उसके अकॉर्डिंग बनी थी, 2010 में बनी थी। WDRA रजिस्टर्ड जो वेयर हाउसेज हैं वही केवल इलेक्ट्रॉनिक जो NWR है वो इशू कर सकते हैं। और ये जो WDRA है ये किसके अंडर आता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर ही आता है। ये भी किसके अंडर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर ही आता है ये भी, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर थर्ड। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमें बताना है एज इफेक्ट के बारे में। भाई ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, जो भी मतलब आज तक पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी बताओ एज इफेक्ट का मतलब क्या होता है। एज इफेक्ट का मतलब होता है, देर इज चेंज इन इन्वायरमेंट कंडीशन एंड स्पीसीज कंपोजिशन इन इकोटोन। जैसे इकोटोन आता है तो वहाँ पे जो स्पीसीज का कंपोजिशन है, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, वो सारी चेंज हो जाती हैं, उसको बोलते हैं एज इफेक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इकोलॉजिकल चेंजेज और वेरिएशन होते हैं वहाँ पे बाउंड्री पे, उसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर अगर लिख लो तो इकोलॉजिकल चेंजेज होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फोर आंसर हो गया बी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा FSSAI के बारे में। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया गिव्स फूड एनिमल टैग्स टू एनिमल्स। बोल रहे हैं कि FSSAI जो है वो फूड एनिमल टैग देती है एनिमल्स को। क्या ऐसा है कि यही मतलब जो है वो फूड एनिमल का टैग देती है FSSAI, ठीक है। देखो, क्योंकि पहली बात तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है कि जो FSSAI है ना वही फूड एनिमल का टैग देती है। क्यों, क्योंकि अभी इसने रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट के मिथुन को, मिथुन का नाम सुना होगा, MITHUN, नॉर्थ ईस्ट के मिथुन को अभी फूड एनिमल घोषित किया था, इसीलिए रिकॉग्नाइज किया था, इसीलिए ये न्यूज़ में था। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि फूड एनिमल वो कर सकते हैं रिकॉग्नाइज कर सकती है, ठीक है। और अभी मतलब अगर इसको फूड एनिमल मतलब रिकॉग्नाइज कर लिया गया, इट मीन्स जो भी विलेज की कम्युनिटी हैं, फार्मर्स हैं, ट्राइबल्स हैं, वो अभी इनको सेल कर सकते हैं इसके मीट को कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी, इसीलिए मतलब किसी को भी फूड एनिमल घोषित किया जाता है। सेकंड बोल रहे हैं, FSSAI स्टैटूटरी बॉडी एंड कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये दूसरी स्टेटमेंट है। बोल देखो, पहली बात, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल स्टैट्यूटरी बॉडी है ये स्टैट्यूटरी बॉडी FSSAI, बिल्कुल स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है। क्योंकि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। और किस एक्ट के अंडर बनी है, ये बनी है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अंडर, 2006 में जो आया था, ठीक है। तो क्वेश्चन मतलब सॉरी स्टेटमेंट सेकंड, स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल इस एक्ट के अंडर बनी है। क्या मिनिस्ट्री इसके अंडर आती है, नहीं, इस मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आती, इसकी मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। थर्ड है, मिथुन एंड इंडियन बाइसन फ्रॉम महाराष्ट्र गॉट द फूड एनिमल टैग। अभी मैंने बोला कि नॉर्थ ईस्ट के मिथुन को क्या मिला है, फूड एनिमल का टैग मिला है। तो ये महाराष्ट्र का तो नहीं होगा, किसी नॉर्थ ईस्ट स्टेट का होगा। तो याद रखना, मिथुन या फिर इसको गायल भी बोलते हैं, गायल, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं बोस फ्रंटालिस, बोस फ्रंटालिस, ठीक है, बोस फ्रंटालिस भी बोलते हैं इसको। ये इंडियन गोर या फिर इंडियन बाइसन का नाम सुना होगा, उसका डिसेंडेंट माना जाता है, ठीक है। बहुत सारी जो ट्राइब हैं उनके लिए काफ़ी ये सोशो इकोनॉमिक रोल इम्पोर्टेंट करता है, जैसे कि नेशी,
अपतानी, ये ट्राइब हैं जो अरुणाचल प्रदेश में, उनके लिए ये नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, इन सब में भी पाया जाता है। इसको कैटल ऑफ माउंटेन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैटल ऑफ माउंटेन भी बोलते हैं। तो ये महाराष्ट्र का तो नहीं है, ये समझ में आ गया नॉर्थ ईस्ट का है। इसका IUCN स्टेटस क्या है, वल्नरेबल। मिथुन का IUCN स्टेटस क्या, वल्नरेबल। साइट्स में किस में आता है, अपेंडिक्स वन में आता है, ठीक है। अरुणाचल और नागालैंड का स्टेट एनिमल भी है ये, ध्यान रखना, स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल एंड नागालैंड, अरुणाचल और नागालैंड का क्या है, ये स्टेट एनिमल भी है, ठीक है। और नागालैंड में एक और चीज़ ध्यान रखना है, नागालैंड में इसके लिए वो खुला है नेशनल रिसर्च सेंटर, ICAR का नेशनल रिसर्च सेंटर खुला है नागालैंड में, ध्यान रखना। तो बस ये कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें थी, तो ये क्वेश्चन हो जाता हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, क्या बताना था, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, तो केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट और सारी स्टेटमेंट रहूँगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए। तो क्वेश्चन नंबर 5 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एलिफेंट रिजर्व वो किस स्टेट में पाया जाता है। देखो भाई, अभी ये तो पता ही होना चाहिए, अभी इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेमरू कहाँ पे है, याद रखना ये कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में ही है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है। चिरांग रिपू कहाँ पे है, चिरांग रिपू है असम में, ना कि मेघालय में, ठीक है। चिरांग रिपू कहाँ पे है, असम में है। तीसरा है सिंगफान, क्या ये सिंगफान झारखंड में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या सिंगफान झारखंड में, नहीं, नागालैंड में है। कहाँ पे है ये, नागालैंड में है। तो दो गलत है, एक सही है, तो हमारा आंसर करेक्टली मैच बताना है, तो केवल एक हमारा सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, ए, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा भाई कि क्या क्या है, ठीक है। तो चिरांग रिपू कहाँ पे है, असम में है। सिंगफान कहाँ पे है, हमारा नागालैंड में है, ठीक है। टोटल एलिफेंट रिजर्व हमारे कितने हैं, एलिफेंट रिजर्व की बात चल रही है, टोटल एलिफेंट रिजर्व हमारे कितने हैं, 33। सब इसमें भी 33 में से सबसे ज़्यादा किस स्टेट में एलिफेंट रिजर्व पाए जाते हैं, तमिलनाडु में 5 एलिफेंट रिजर्व हैं, ठीक है। तमिलनाडु में और असम में, असम में भी 5 ही हैं, ठीक है। तमिलनाडु में और असम में सबसे ज़्यादा हमारे एलिफेंट रिजर्व हैं, उसके बाद केरला और उड़ीसा में आते हैं, उसके बाद केरला और उड़ीसा आते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ, अगर एलिफेंट की बात करें वो कहाँ पे है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिफेंट की बात करें वो कहाँ पे है, याद रखना वो कर्नाटका में है। वो कहाँ पे है, कर्नाटका में है, देन असम में है, एंड देन केरला में है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे है और एलिफेंट का नंबर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमें बताना है पिंक ब्लूम के बारे में, किसके बारे में, पिंक ब्लूम के बारे में। सबसे पहले है कि ये एक इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ है जो हमें इंडोनेशिया से मिली है। सबसे पहले ये जो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ है ना, ये हमें इंडोनेशिया से नहीं, सेंट्रल और साउथ अमेरिका से मिली है, पहली बात तो ये गलत स्टेटमेंट है। सेकेंड, इट इज़ पोजिंग सीरियस बायोडाइवर्सिटी थ्रेट फॉर कोले वेटलैंड इन केरला एंड इंपॉर्टेंट रामसर साइट। बिल्कुल, ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि कोले वेटलैंड जो केरला में था उसको ये नुकसान पहुंचा रही थी। थर्ड, इट वॉज ब्रॉट इन इंडिया एज एक्वेरियम प्लांट एंड एस्केप टू द वर्ल्ड। बिल्कुल, ये एज एक्वेरियम प्लांट की तरह लाया गया था और फिर ये उसमें चला गया, तो ये भी सही है, तीनों मतलब। सो तो हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट दिख रही, केवल दो स्टेटमेंट करेक्ट है, एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी, ठीक है। कोले वेटलैंड समझ में आ गया, कोले वेटलैंड हमारा केरला में है, ये एक रामसर साइट भी है, ठीक है, ये भी मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8th, नेचर 2030, ए यूनियन इन एक्शन, ये किसका प्रोजेक्ट है, ये बताओ भाई, ये किसका प्रोजेक्ट है, ये किसका प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है हमारा IUCN का, ये हमारा किसका प्रोजेक्ट है IUCN का, इंपॉर्टेंट है IUCN। IUCN क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, ठीक है। और जूलियन हक्सल ने मतलब इसको स्टार्ट किया था, कब किया था, 1948 में किया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। एक रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीसीज भी रिलीज़ करती है, अगर आ जाए रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज कौन रिलीज करता है, तो ये रिलीज़ करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोलता है, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ज्यूरिडिक्शन ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। बोल रहे हैं कि स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ज्यूरिडिक्शन किस किस के ऊपर है, मतलब स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किस किस को कंट्रोल कर सकता है। तो देखो, स्टेट जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना, वो सबको वो कर सकता है। देखो तो भाई, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान रखने की है, क्या कि इसमें पूछा स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। दो टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं जो फॉरेस्ट को कंट्रोल करते हैं, एक होता है स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एक होता है स्टेट रिवेन्यू डिपार्टमेंट, एक होता है स्टेट रिवेन्यू डिपार्टमेंट। जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना, वो रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट दोनों को मतलब प्रोटेक्ट करते हैं।
ठीक है। तो याद रखना स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किस किस को, रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट दोनों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो ये विलेज या नगर पालिका के जो फॉरेस्ट हैं इनको जो कंट्रोल करते हैं वो करते हैं स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट। कौन करता है? स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ध्यान रखना इसको। फॉरेस्ट किस लिस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, मैं करेक्ट बतानी है। तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए, ठीक है। फॉरेस्ट किस लिस्ट के अंदर आते हैं, मतलब जो सेवन शेड्यूल में लिस्ट होती है किसके अंदर आते हैं? कनकरेंट लिस्ट में आते हैं। किस में आते हैं? कनकरेंट लिस्ट में आते हैं। कब ऐड किए गए थे, मतलब कनकरेंटली में? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, उसके थ्रू ये उनको मतलब स्टेट लिस्ट से निकाल के और कनकरेंट लिस्ट में इसको डाल दिया गया था। क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है कि पेड़ पौधों को बचाने के लिए? बिल्कुल, ये हमारे DPSP में भी ऐड किया गया, Article 48A, Article 48A में भी इंक्लूड किया गया है कि भाई हमारा DPSP है ये स्टेट का, कि उनको प्रोटेक्ट करने हैं, इंप्रूव करना है इन्वायरमेंट और सेफ गार्ड करना है जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है कंट्री की, उसको। Article 50A ये फंडामेंटल ड्यूटी में भी इंक्लूड किया गया कि हमें, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी में भी इंक्लूड किया गया कि ये फंडामेंटल ड्यूटी है हर एक सिटीजन की कि वो नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, उसको इंप्रूव करने के लिए ध्यान दे, जिसमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दोनों ही आते हैं। तो ये हमारे DPSP में भी है, हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में भी है, और ये समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 आंसर हो गया ए, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है हाउ मेनी ऑफ द अबो आर डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ ए पॉपुलेशन इन इकोलॉजी। किसी भी इकोलॉजी में पॉपुलेशन के फीचर्स क्या क्या हैं, कोई भी पॉपुलेशन होगी उसके क्या फीचर्स होंगे? शेयरिंग सिमिलर रिसोर्सेज, कंपीटिंग फॉर सिमिलर रिसोर्सेज, इंटरब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन। तो ये सारे फीचर्स होते हैं किसी पॉपुलेशन के। तो क्वेश्चन नंबर 10 आंसर हो गया सी, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है दिस एक्वेटिक इकोसिस्टम इज करेक्टराइज्ड बाय इट्स लो सॉल्ट कंटेंट। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होता है, लो सॉल्ट कंटेंट होता है। फिर यहाँ पे ओफन कहाँ कहाँ पाया जाता है, पोंड, लेक, बॉक्स एंड स्वैम्प में ये पाया जाता है। इट एक्सपीरियंसिस डायअर्नल और सीजनल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड हैज़ डिस्टिंक्ट जोन्स इंक्लूडिंग लिमनेटिक जोन विद शैलो वाटर एंड प्रोफंडल जोन। देखो एक इसमें एक लिमनेटिक जोन होता है, एक प्रोफंडल जोन होता है। तो हमें बताना है किसके बारे में बात चल रही है। तो ये हमारी किसके बारे में बात चल रही है, जल्दी बताओ। तो ये हमारी चल रही है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के बारे में बात, ठीक है, जिसमें काफ़ी सारी इसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि लाइट आती है यहाँ पे, टेम्परेचर यहाँ पे अच्छा होता है, लो सॉल्ट कंटेंट होता है, रनिंग वाटर होता है यहाँ पे, स्टैटिक भी हो सकता है, रनिंग वाटर भी हो सकता है, ठीक है। तो यही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा आंसर हो जाता है बी, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2023 प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट के बारे में, कि एक गैप रिपोर्ट आई थी फेजिंग डाउन और फेजिंग अप। टॉप फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसर्स प्लान इवन मोर एक्सट्रैक्शन डिस्पाइट क्लाइमेट प्रोमिसेस वॉज रिसेंटली रिलीज इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें कुछ स्टेटमेंट बतानी है। सबसे पहले जो रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाई UNFCCC, सबसे पहले बोल रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट रिलीज की है फेजिंग अप और फेजिंग डाउन और फेजिंग अप, ये किसने रिलीज किया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये किसने रिलीज की है, ये जो रिपोर्ट रिलीज की है भाई, ये इसने नहीं की है, ठीक है। ये किसने रिलीज़ की है, ये UNEP ने प्रिपेयर की थी इस रिपोर्ट को, ठीक है। किसने किया था? UNEP ने, इसने नहीं किया था। तो ये प्रोडक्शन गैप, ये जो भी है, ये UNFCCC ने नहीं किया, किसने किया? UNEP ने, ठीक है। पहली स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी। दूसरी है द रिपोर्ट ट्रैक्स द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन गवर्नमेंट प्लान्ड फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन एंड ग्लोबल प्रोडक्शन लेवल कंसिस्टेंट विद लिमिटिंग वार्मिंग टू 1.5 डिग्री और 2 डिग्री सेल्सियस। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, बिल्कुल सही है। तो हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट कर, तो करेक्ट दिख रही है, केवल एक सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, एक स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या हो गया बी, ठीक है। अब UNEP कब बनी, क्या इंडिया इसका पार्ट है? देखो सबसे पहले तो बिल्कुल इंडिया इसका पार्ट है, बनी है 1972 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? केन्या में, नैरोबी उसकी जो कैपिटल है वहाँ पे है, केन्या के नैरोबी में इसके हेडक्वार्टर है। और कौन सी चीज़ें मतलब ये निकालती है, देखो एक है वो भी निकालती है, ये क्या नाम लेते हैं, ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट, सुना होगा आपने मेरे ख्याल से, ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट भी निकालती है ये, ठीक है। एक अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ये तो प्रोडक्शन गैप थी, एक अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट भी निकालती है, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ठीक है। एक एमिशन गैप रिपोर्ट भी निकालती है, कौन सी? एमिशन गैप रिपोर्ट, ठीक है। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, कौन सा? ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक भी निकालती है। ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट भी निकालती है, ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट भी निकालती है, ठीक है। तो ये सारी रिपोर्ट ये निकालती है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा आंसर हो जाता है बी, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
मेटा पॉपुलेशन के बारे में बताना है कि मेटा पॉपुलेशन का कंसेप्ट क्या होता है, किसी भी इकोलॉजी में मेटा पॉपुलेशन का कंसेप्ट क्या है, जल्दी बताओ भाई। छुरी की दी थी इसकी हैंड स्किन है, ठीक है, छुरी दी थी इसकी हैंड स्किन है। ये क्या होती है, पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज आर इंटरकनेक्टेड एंड कैन रेस्क्यू ईच अदर फ्रॉम एक्सटेंशन, इसको बोलते हैं मेटा पॉपुलेशन कंसेप्ट। ठीक है, मेटा पॉपुलेशन कंसेप्ट का क्या मतलब होता है, रीजनल ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज। मान लो कि देखो मतलब मैं क्या बता रही हूँ, देखो ये मान लो कि ये है, यहाँ पे 10-20 स्पीसीज हैं किसी फिश की, ठीक है, कुछ यहाँ चलेगी, दो यहाँ चलेगी, तीन यहाँ चलेगी, पांच यहाँ चलेगी, छह यहाँ चलेगी। मान लो कि यहाँ का इन्वायरमेंट ख़राब हो गया तो उसकी कुछ ना कुछ पॉपुलेशन तो बच गई ना किधर किधर, तो उसको बोलते हैं मेटा पॉपुलेशन। उसको क्या बोलते हैं, मेटा पॉपुलेशन बोलते हैं। रीजनल ग्रुप्स, ये क्या, यहाँ पे क्या गए हैं, रीजनल ग्रुप्स गए हैं, रीजनल ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पॉपुलेशन, इससे कनेक्टेड पॉपुलेशन है, रीजनल ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज, उसको बोलते हैं क्या, मेटा पॉपुलेशन। इसको पॉपुलेशन ऑफ पॉपुलेशन भी बोला जाता है, याद रखना, इसको क्या बोला जाता है, पॉपुलेशन ऑफ पॉपुलेशंस भी बोला जाता है, ठीक है। और क्या इनके बीच में मूवमेंट होता है, बिल्कुल इनके बीच में मूवमेंट भी होता है। जो ये जहाँ से जो मेन है इसका सोर्स, उसको बोलते हैं सोर्स पॉपुलेशन, उसको बोलते हैं सोर्स पॉपुलेशन। और जो साइड वाली इनको बोलते हैं सैटेलाइट पॉपुलेशन, उसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट पॉपुलेशन। तो ये है हमारी मतलब डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन, ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गई, मेटा पॉपुलेशन के बारे में बात चल रही है, ठीक है भाई। तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया कंप्लीट, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। नेशनल पार्क्स के बारे में बताना है, नेशनल पार्क्स इन इंडिया। सबसे पहले यदि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर नेशनल पार्क, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी पार्क को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकती है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही नेशनल पार्क को डिक्लेयर कर सकती हैं, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑल द राइट्स ऑफ लैंड टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल पार्क, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट भी इंक्लूड कर सकती हैं। थर्ड है, ओनली द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ द बाउंड्री ऑफ नेशनल पार्क कैन बी चेंज, केवल इसके ही मतलब उससे जो है वो बाउंड्रीज की चेंज की जा सकती है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है कि भाई केवल और केवल नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के रिकमेंडेशन से ही जो नेशनल पार्क है उसकी बाउंड्री चेंज की जा सकती है। हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या है, करेक्ट है, किसके बारे में, नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है। तो अभी हमारे नेशनल पार्क कितने हैं, 106 नेशनल पार्क हैं अभी कंट्री में, ठीक है, कितने पार्क हैं, 106 नेशनल पार्क हैं। और आयुष्यन की किस कैटेगरी में आते हैं, कैटेगरी 1-2, तो सेकंड कैटेगरी में आते हैं, आयुष्यन की सेकंड कैटेगरी में आते हैं। पहला नेशनल पार्क कौन सा था, जिम कॉर्बेट, सबको पता होगा मेरे ख्याल से, सबसे पहला हमारा नेशनल पार्क कौन सा था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, 1936 में डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। तो यही है बस सारे हमारे, तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा आंसर हो जाता है, सी आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। इन द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन विच टर्म रेफर्स टू द इंटरमीडिएट स्टेज वेयर द कम्युनिटी इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम द पॉइनर टू द क्लाइमैक्स, पॉइनर से क्लाइमैक्स में जाते हुए जो बीच में स्टेजेस आते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिरल स्टेजेस। जो फर्स्ट स्टेज होती है मतलब जो पहली स्टेज होती है उसको बोलते हैं पॉइनर स्टेज, और जो लास्ट स्टेज होती है उसको बोलते हैं क्लाइमैक्स स्टेज, और जो बीच की स्टेज होती है उनको बोलते हैं सिरल स्टेजेस। तो क्वेश्चन नंबर 15 आंसर हो जाता है हमारा सी, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जाते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, विद रेफरेंस टू काजीरंगा नेशनल पार्क, उसके बारे में बताना है। काजीरंगा नेशनल पार्क क्या क्या है, सबसे पहले क्या टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व भी है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो तीनों ही है, तो हमारा आंसर क्या हो गया सी, ठीक है। तो ये क्या है हमारे, तीनों ही है, सही है, आंसर हो गया सी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, काजीरंगा के बारे में, कि ये सारी चीज़ें मतलब हैं उसकी, ठीक है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसके अलावा देखो जो मेनली काजीरंगा नेशनल पार्क है ना वो किसके लिए फेमस है, एक आपने सुना होगा इंडियन वन हॉर्न्ड राइनो के लिए फेमस है, ठीक है, वन हॉर्न्ड राइनो के लिए मेनली फेमस है। तो ये वन हॉर्न्ड राइनो अभी करंट अफेयर्स में शायद अगर आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल पढ़ा होगा, एक रिपोर्ट आई थी स्टेट ऑफ राइनो 2023 रिपोर्ट, ठीक है, स्टेट ऑफ राइनो 2023 रिपोर्ट। और ये जो रिपोर्ट थी ये किसने निकाली थी, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने, किसने निकाली थी, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने ये रिपोर्ट निकाली थी, ठीक है, ये रिपोर्ट निकाली थी। इसमें इन्होंने पाँच राइनोज के बारे में बताया था। सबसे पहले तो पहला तो यही हो गया इंडियन वन हॉर्न राइनो, ये डाला उन्होंने वल्नरेबल कैटेगरी में। फिर बच गए हमारे चार राइनो, चार में से एक तो जावा सुमात्रा और एक ब्लैक, जो जावा सुमात्रा और जो ब्लैक राइनो थे वो डाल दिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड में, और एक था हमारा वाइट राइनो, ये डाला हमारा नियर थ्रेटन कैटेगरी में, ठीक है। तो ये पाँच राइनो के बारे में मेनली इस रिपोर्ट में बनाया गया था, स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट 2023, ठीक है। किसने निकाली वो, एक राइनो बॉन्ड इशू किए जाते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, राइनो बॉन्ड वो कहाँ इशू, किस कंट्री में इशू किए जाते हैं राइनो बॉन्ड, कहाँ इशू किए जाते होंगे जल्दी बताओ, तो ये किए जाते हैं साउथ अफ्रीका में,
कहाँ इशू किए जाते हैं? राइनोबोन साउथ अफ्रीका में इशू किए जाते हैं। और क्या बता सकते हैं इसके बारे में? कब बना था कांजीरंगा नेशनल पार्क? 1908 में बना था। कब बना था? 1908 में बना था। और क्या नाम लेते हैं, मैरी कर्जन की रिकमेंडेशन पे बना था। और किस किस चीज़ के लिए जाना जाता है? बिग फोर के लिए जाना जाता है। ये बिग फोर के लिए जाना जाता है। बिग फोर में एक तो राइनो हो गया, एक एलिफेंट, ये तो इंडेंजर कैटेगरी में आता है, एक रॉयल बंगाल टाइगर, ये भी इंडेंजर कैटेगरी में आता है, एक है एशियाटिक वाटर बफलो, ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये भी इंडेंजर कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो चार चीज़ों के लिए मिले काजीरंगा नेशनल पार्क बिग फोर के लिए जाना जाता है। फर्स्ट इज राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाटिक वाइल्ड बफलो। ठीक है, तो इनके लिए मिले जाना जाता है बिग फोर के लिए। ब्रह्मपुत्र के रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है और दिफ्लू रिवर इससे पास करती है। ठीक है, कौन सी रिवर पास करती है? दिफ्लू। और कौन सी के बैंक पे है? ब्रह्मपुत्रा के। तो क्वेश्चन नंबर 16 आंसर हमारा क्या हो गया? सी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क जो है ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होते हैं? तो याद रखना ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होते हैं? ये होते हैं डीप फेक टेक्नोलॉजी में। कहाँ पे यूज़ होते हैं? डीप फेक टेक्नोलॉजी में। तो क्वेश्चन नंबर 17 आंसर हो गया। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में बताना है। सबसे पहले है, इट इज़ नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द लोकल कम्युनिटी। सबसे पहले बोल रहे हैं कि इसको स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के और लोकल कम्युनिटी से पूछ के। ठीक है, पहले स्टेटमेंट तो ये रखिए। दूसरी बोल रहे हैं, दे एक्ट एज बफर जोन एंड माइग्रेशन कॉरिडोर बिटवीन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तीसरा बोले, इंडिया का पहला कंजर्वेशन रिजर्व तो जो था डुगोंग के लिए था, वो पाक बे में जो है वो सेटअप किया गया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखी है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करती है सेंट्रल और लोकल कम्युनिटी से कंसल्टेशन लेने के बाद। दूसरी, ये बिल्कुल बफर जोन की तरह एक्ट करते हैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में। और तीसरा बोले, इंडिया का पहला जो था वो बिल्कुल डुगोंग के लिए था, पाक बे में सेटअप किया गया था जो हमारा फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व था। तीनों स्टेटमेंट सही है। तो हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट क्या, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तुम्हारा आंसर क्या हो गया? सी। ठीक है, आ गया समझ में। IUCN में इसका स्टेटस क्या है? कैटेगरी 5 में आता है, IUCN की कैटेगरी 5 में आता है। कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटीज़ को मैनेज करती है। कौन सी? कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटीज़ को मैनेज करती है। वाइल्ड लाइफ और किसके अंडर है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। किसी एक्ट के अंदर आता है? बिल्कुल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है। 2003 में जो अमेंडमेंट किया गया था उसमें इंक्लूड किया गया था इनको। ठीक है, कितने कंजर्वेशन रिजर्व है? लगभग 100 से ज़्यादा है, 115 के आसपास कंजर्वेशन रिजर्व है। हमारी कंट्री का कितना परसेंट एरिया ये कवर करते हैं? 0.17% एरिया जो है वो ज्योग्राफिकल एरिया कंट्री का ये वो करते हैं। ठीक है, और अभी जो डुगोंग के लिए पाक बे में पहला कंजर्वेशन रिजर्व अभी सेटअप करने की बात चली है, वो चली है तमिलनाडु में, जिसका नाम है तिरुपदई मार्थुरम सीआर कुछ ऐसे कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको तो तमिलनाडु में सेटअप किया जा रहा है वो। तो तीनों स्टेटमेंट हमारी सही है इसके बारे में। किसके बारे में? कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में। ठीक है, अब एक और चीज़ बताओ, कंजर्वेशन रिजर्व तो पढ़ लिया आपने, वो भी पढ़ा होगा क्या कम्युनिटी रिजर्व? एक सेकेंड गाइज, क्या पढ़ा होगा? कम्युनिटी रिजर्व, इसको कौन बनाता है? तो इसको कौन बनाता है? इसको बनाती है लोकल विलेज काउंसिल और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। कौन बनाते इसको? लोकल विलेज काउंसिल एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, लोकल विलेज काउंसिल और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको बनाते हैं कम्युनिटी रिजर्व को। ये किस कैटेगरी में आता है? मतलब IUCN की वो कैटेगरी 5 में था, ये तो किस में आई? ये कैटेगरी 6 में आता है। इसको कौन मैनेज करता है? कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी इसको मैनेज करती है। किस एक्ट के अंदर आता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है, 1972 के अंदर, जिसमें 2003 में अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, ये चीज़ है। और कितने हैं ये कम्युनिटी रिजर्व? तो 200 से ज़्यादा हैं। कितने हैं? 200 से ज़्यादा हैं। और पहला कहाँ था? पहला कहाँ था मतलब कम्युनिटी रिजर्व? पंजाब में। पहला कहाँ था? पंजाब में। उसका नाम क्या था? केशपुर चंब गुरदासपुर कम्युनिटी रिजर्व। ठीक है, केशपुर चंब गुरदासपुर कम्युनिटी रिजर्व। ठीक है, तो ये वाला रिजर्व था और बस यही था मेनली तो कम्युनिटी रिजर्व। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है ना, जो कम्युनिटी होती है, जो प्राइवेट लैंड होती है, उसको सेट असाइड कर दिया जाता है किसी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर लोकल जो ट्रेडिशंस हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, जिसको डेजिग्नेट लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। ठीक है, लेकिन इसको बनाते हैं मेनली जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और मिलके, और जो लोकल विलेज काउंसिल है वो मिलके। तो क्वेश्चन नंबर 18 मेरे ख्याल से समझ में आ गया आंसर हो गया। से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कौन कौन से ट्रीज पाए जाते हैं? भाई ये पता ही होना चाहिए, इबोनी महोगनी रोजवुड तीनों ही पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी। ठीक है, तो सारे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आंसर हो गया। सी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यूएनडीके 2021 से 30 का हमारा वो क्या है, क्या बोलते हैं इसको, डिकेड किसको बोला गया है, तो याद रखना किसको बोला गया है, जल्दी बताओ जल्दी 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 किसको बोला गया है, यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, किसको बोला गया है, यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ठीक है, 2021 से 31 तक के टाइम को यूएन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग भी बोला गया है, याद रखना हेल्दी एजिंग की एज भी बोला गया है, और ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूएन डिकेड फॉर ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये भी बोला गया है, और यूएन डिकेड को यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन भी बोला गया है, तो ये कुछ कुछ चीज़ ध्यान रखना। इसको लेड कौन कर रहा है, इसको इकोसिस्टम रिस्टोरेशन किसको लेड कौन कर रहा है, यूएनईपी, कौन इसको लेड कर रहा है, यूएनईपी एंड एफएओ, ठीक है याद रखना यूएन के। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा आंसर हो जाता है, डी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डाइकोटोमस की क्या होती है, जल्दी बताओ भाई डाइकोटोमस की क्या होती है, डाइकोटोमस की क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन दी ऑर्गेनिजम्स ऑब्जर्वेबल ट्रेस, तो उसको अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन करना, तो उसको बोलते हैं क्या, डाइकोटोमस कीज, ठीक है। देखो डाइकोटोमस कीज में मेनली क्या होता है, इसमें होता है कि एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स होती है जिसमें हर एक स्टेटमेंट में टू चॉइसेस होते हैं, हर एक स्टेटमेंट में टू चॉइसेस होते हैं, हर एक स्टेप पे टू चॉइसेस होते हैं, और जैसे जैसे आप उन स्टेप्स को क्रॉस करते जाओगे तो आप किसी न किसी एक स्पीसीज की मतलब करेक्ट आइडेंटिफिकेशन कर लोगे, तो उसको बोलते हैं डाइकोटोमस कीज। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 21 आंसर हो जाता है, सी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ़ एनी वाइल्ड एनिमल स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हैज़ बिकम डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ, हु अमंग दी फॉलोइंग परमिट्स एनी पर्सन टू हंट सच एनिमल, तो किसके पास ये राइट है कि वो बोल सके कि भाई आप इसको हंट कर सकते हो, जल्दी जल्दी बताओ किसके पास राइट है, तो राइट है किसके पास, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास, किसके पास है ये राइट, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास। अब इसमें तो ये पता होना चाहिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, किसके अंडर बनी है ये, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बनी है 1972 के अंडर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये 22 आंसर हो गया, डी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, हमें बताना है हाउ मेनी ऑफ द अबो डायमेंशंस आर यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक इन रैंकिंग कंट्रीज अंडर वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडेक्स फ्रेमवर्क। देखो वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडेक्स फ्रेमवर्क में हमें बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें, ये सबसे पहले 1919 में स्टार्ट किया गया था, किसने किया वो तो हमें पता ही चल गया, ठीक है। तो क्या क्या उसमें यूज़ होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या यूज़ होता है, तो याद रखना रूल ऑफ लॉ भी यूज़ होता है, गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस भी यूज़ होती है, वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी भी यूज़ होती है, और कंट्रोल ऑफ करप्शन भी यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ वायलेंस भी यूज़ होता है अगर आ जाए तो, ठीक है, क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ वायलेंस, एंड एब्सेंस ऑफ वायलेंस ये भी यूज़ होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा आंसर क्या हो जाता है, डी, ये समझ में आ गया कि वर्ल्ड बैंक की है ये रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडेक्स फ्रेमवर्क में, और क्या केस में यूज़ होता है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये वाला हो जाता है कंप्लीट 23, ठीक है। क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि अभी मतलब इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने बोला है कि भाई कि मतलब जो ये इंडिकेटर यूज़ होता है ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लेस सब्जेक्टिव होना चाहिए, अभी मोर सब्जेक्टिव है और लेस ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो बस उन्होंने ये वो चीज़ बोली है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो क्वेश्चन नंबर 23 आंसर हो गया, डी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमें बताना है कौन से मैनग्रूव्स किस टाइप की अडेप्टेशन करते हैं अपने लिए, वीविपैरिटी करते हैं, क्यूटनाइज एपिडर्मिस करते हैं, न्यूमेटोफोर्स होते हैं उसमें, नी रूट्स होते हैं, सारी चीज़ें होते हैं, ठीक है। तो भाई मैनग्रूव्स में तो ये सारी चीज़ें होते हैं मतलब अपने आप को वो करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा आंसर हो जाता है, डी आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमें बताना है बायोस्फीयर रिजर्व और स्टेट के बारे में, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व किस स्टेट में पाया जाता है। सबसे पहले पंचमढ़ी, पंचमढ़ी कहाँ पे, एमपी में, आप सभी को पता पंचमढ़ी तो एमपी में ही है। फिर है शेषचलम हिल्स, ये शेषचलम हिल्स हमारी कहाँ पे है, तेलंगाना में नहीं है, कहाँ पे, आंध्रा में है शेषचलम हिल्स। फिर है नोकरेक, नोकरेक कहाँ पे है, मेघालय में, आप सबको पता होना चाहिए नोकरेक कहाँ पे है, मेघालय में है, तो ये भी गलत है। तो सेकंड एंड थर्ड रहूँगा, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमें करेक्टली मैच बताने हैं, तो केवल एक स्टेटमेंट हमारे करेक्टली मैच है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, ए, ठीक है। एक था, एक है, मतलब वैसे तो हमारे बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, हमारे कितने बायोस्फीयर रिजर्व, टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व, उन 18 में से हमारे जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व है वो किसके कहाँ आते हैं, वो 12 बायोस्फीयर रिजर्व मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है यूनेस्को का उसके अंडर आते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व की एक करेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है, इसमें ऐसा सिस्टम होता है, बीच में कोर एरिया होता है, फिर बफर एरिया होता है, फिर ट्रांजिशन एरिया होता है, ठीक है। तो कोर एरिया, बफर एरिया और ट्रांजिशन एरिया, मतलब ये उसमें पाए जाते हैं, किसमें, बायोस्फीयर रिजर्व में। पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो यही चीज़ है इसके बारे में, ठीक है।
तो भाई ये दिख रहे होंगे आपको सारे बायोस्फीयर रिजर्व जितने भी हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले कोल डेंजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, फिर है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, फिर है कंचनजंगा सिक्किम में, फिर है दिहांग दिब्रू, फिर है दिब्रू सिखोवा, मानस बायोस्फीयर रिजर्व, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन, सिमलीपाल, अचानक मारक अमरकंटक, पन्ना, पंचमढ़ी, ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, सेशचलम हिल्स, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्तम मलाई और गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। और एक यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो भाई ध्यान रखना इनको, ठीक है। कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको, ठीक है। तो हमारी ये वाला हो जाता है कंप्लीट, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 26, लीथ सोफ शेल्टर टर्टल के बारे में बताना है। लीथ सोफ शेल्टर सबसे पहले बोल रहे हैं इट इज़ अ लार्ज फ्रेश वाटर टर्टल विच इज़ एंडेमिक टू पेनिनसुलर इंडिया। बोल रहे हैं कि एक लार्ज फ्रेश वाटर टर्टल है जो एंडेमिक है पेनिनसुलर इंडिया से, तो बिल्कुल ये एंडेमिक है पेनिनसुलर इंडिया से और ये फ्रेश वाटर टर्टल भी है। बोल रहे ये लिस्ट कंसर्न स्टेटस है इसका IUCN का। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि साइट्स ने इसको मूव किया था अपेंडिक्स 2 से अपेंडिक्स 1 में, और IUCN में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में आता है, IUCN में क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है। और अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसको अपेंडिक्स 2 से अपेंडिक्स 1 में मूव किया था किसने, साइट्स की उसमें अपेंडिक्स में, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज़ में था, तो ये सेकंड स्टेटमेंट रहूँगा। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, मैं बताने करेक्ट स्टेटमेंट, तो एक स्टेटमेंट करेक्ट है हमारी, सेकंड स्टेटमेंट रहूँगा तो हमारा आंसर क्या हो जाता है ए, ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया। और इस टर्टल की जो पॉपुलेशन है वो पिछले 30 साल में 90% तक डिक्लाइन कर गई है। कितनी पर गई है, 90% तक डिक्लाइन कर गई है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 4 में आता है ये, अगर अब आ जाए तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में किस में आता है, शेड्यूल 4 में आता है। अब बात करते हैं इसकी क्या नाम लेते हैं, अभी और भी टर्टल है, जैसे कि एक है जयपुर हिल गीको, इंडिया ने प्रपोजल दिया है कि जयपुर हिल जो गीको है, मतलब ये मूव करने की बात चल रही है ना इसलिए बता रही हूँ मैं, जयपुर हिल गीको, इसको प्रपोजल दिया है इंडिया ने कि इसको जो है वो अपेंडिक्स 2 में इंक्लूड किया जाए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये इंक्लूडेड नहीं है, इसको इंडिया ने प्रपोजल किया अपेंडिक्स 2 में इंक्लूड किया जाए, और ये वैसे इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। किस में आता है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। एक है रेड क्राउन रूफ टर्टल, नाम सुना होगा, रेड क्राउन रूफ टर्टल जो है ये अपेंडिक्स 2 से इसको भी अपेंडिक्स 1 में वो किया गया है। ये भी फ्रेश वाटर है, ये भी फ्रेश वाटर, ये अपेंडिक्स 2 में आता है, शेड्यूल 1 में आता है, और इंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। किस में आता है, ये भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। तो लीथ सोफ शेल्टर टर्टल और ये जो रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल है, ये भी दोनों क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारा आंसर हो जाता है ए, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन परक्यूपाइन के बारे में बताना है। इंडियन परक्यूपाइन सबसे पहले बोल रहे हैं कि ये जो होते हैं, ये इंडियन परक्यूपाइन ये नॉक्टर्नल होते हैं, ठीक है। दूसरे बोल रहे हैं इनकी पॉपुलेशन जो है वो साउदर्न इंडिया तक रिस्ट्रिक्टेड है, और तीसरे बोल रहे हैं कि ये शेड्यूल 1 में आते हैं। सबसे पहली बात, ये शेड्यूल 4 में आते हैं। किस में आते हैं ये, सबसे पहले ये शेड्यूल 4 में आते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के ये सबसे पहले शेड्यूल 4 में आते हैं। और क्या ये क्या इनकी पॉपुलेशन जो है वो साउदर्न इंडिया तक रिस्ट्रिक्टेड है? नहीं भाई, बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, मल्टीपल इन्वायरमेंट्स में ये रह सकते हैं, मल्टीपल इन्वायरमेंट्स में रह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इनकी पॉपुलेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है वहाँ तक। फिर तीसरी बात है, ये है नॉक्टर्नल, बिल्कुल ये नॉक्टर्नल होते हैं, ठीक है। तो इंडियन परक्यूपाइंस ये रोडेंट स्पीसीज़ हैं जो साउथ एशिया में या मिडल ईस्ट में मेनली पाए जाते हैं, लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में हैं, ठीक है। और क्या नाम लेते हैं, नॉक्टर्नल हैं, ठीक है, नॉक्टर्नल है ये। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट, तो केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट है और 2 स्टेटमेंट जो है हमारे इसके बारे में रॉन्ग है, ठीक है। तो बस यही था इसके बारे में। तो और ये जो है ना, वन ऑफ द लार्जेस्ट रोडेंट है इंडिया का, याद रखना इसको, इंडियन परक्यूपाइन रोडेंट स्पीसीज है ये, अगर आ जाइए क्या है, रोडेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 27 आंसर हो गया ए, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे। ए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कैन बी रिजर्व फॉरेस्ट बट ए रिजर्व फॉरेस्ट कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अच्छा भाई, सेकंड है, रूल्स फॉर रेगुलेटिंग द मैनेजमेंट ऑफ विलेज फॉरेस्ट इज मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो भाई ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है, जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है ना वो रिजर्व फॉरेस्ट हो सकता है, लेकिन एक रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 की फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट है रूल्स फॉर रेगुलेटिंग द मैनेजमेंट ऑफ विलेज फॉरेस्ट वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, करेक्ट स्टेटमेंट बताने, दोनों हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो रिजर्व स्टेट में, देखो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आपने पढ़ा होगा, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग 1927 का जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग 3 फॉरेस्ट होते हैं। कौन से होते हैं, एक तो होते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, एक होते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, एक होते हैं विलेज फॉरेस्ट, ठीक है।
अब आगे हमारे रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में, लोकल्स यहाँ पे प्रोहिबिटेड होते हैं अनलेस फॉरेस्ट ऑफिसर उनको अलाउ ना करें। मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड फॉर होते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, ये इसके एक्ट के सेक्शन 3 में आते हैं, ये इसके एक्ट के सेक्शन 3 में आते हैं, मतलब जो भी ये एक्ट है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के सेक्शन 3 में आते हैं। लोकल्स यहाँ पे प्रोहिबिटेड होते हैं, मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्व होते हैं, और टोटल फॉरेस्ट का 53% जो है ना वो रिजर्व फॉरेस्ट में आते हैं। टोटल फॉरेस्ट के 53% जो फॉरेस्ट है वो किस में आते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट में आते हैं। फिर आते हैं हमारे ये क्या नाम लेते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये किस में आते हैं सेक्शन 29 में, ये किस में आते हैं ये सेक्शन 29 में आते हैं। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट को इम्पावर किया गया है कि वो किसी भी लैंड को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो यूज़ कर सकती है, ये रिजर्व फॉरेस्ट नहीं होते, ये रिजर्व नहीं होते स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट हो सकता है लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर आ जाता है विलेज फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट जो होता है ये सेक्शन 28 में आते हैं, इस एक्ट के इसमें आते हैं सेक्शन 28 में आते हैं। और जो एक चीज़ ध्यान रखना, स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो किसी भी विलेज ग्रुप को राइट दे सकती है, ठीक है, जिसके पास मतलब पावर हो, विच दी लैंड के पास पावर हो तो किसी भी विलेज ग्रुप को पावर दे सकती है उसको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया विलेज फॉरेस्ट। तो याद रखना, देखो विलेज फॉरेस्ट अलग टर्म है और फॉरेस्ट विलेज अलग टर्म है, ठीक है, याद रखना विलेज फॉरेस्ट अलग टर्म है, फॉरेस्ट विलेज अलग टर्म है। विलेज जो फॉरेस्ट है ये लीगल कैटेगरी में आ गया, ठीक है, ये लीगल कैटेगरी में आता है, लेकिन जो फॉरेस्ट विलेज है ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी में आता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी में आता है एक्ट की। तो ध्यान रखना, जो लीगल कैटेगरी में आता है वो है विलेज फॉरेस्ट, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी में आता है वो है फॉरेस्ट, ये वाला। सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन किस में होती है, इसमें रिजर्व फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन है, फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, और उसके बाद फिर जो हमारे विलेज फॉरेस्ट में प्रोटेक्शन है। डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारा आंसर हो गया, 80 आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंडिया हैज साइंड अ MOU ऑन इनहेंसिंग इनोवेशन इकोसिस्टम थ्रू इनोवेशन हैंडशेक, तो ये हमने किसके साथ किया है, जल्दी बताओ भाई, ये इनोवेशन हैंडशेक हमने किसके साथ किया, तो ये हमने किया है USA के साथ, ठीक है, ये हमने किसके साथ किया, इंडिया एंड USA ने एक कमर्शियल डायलॉग किया है, USA के साथ साइन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 29 आंसर हो गया, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फंडामेंटल निके के बारे में बताना है, फंडामेंटल निके क्या होता है, तो भाई बताओ फंडामेंटल निके क्या होता है, ये होता है कि एंटायर रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन जहाँ पे कोई स्पीसीज पोटेंशियली एग्जिस्ट कर सकती है उसको बोलते हैं फंडामेंटल निके, ठीक है, कहाँ ऐसे कहीं भी कंडीशन जहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्पीसीज रह सकती है बिना कंपटीशन के उसको बोलते हैं फंडामेंटल निके। इसको प्री कॉम्पिटिटिव निके भी बोलते हैं, इसको थ्योरेटिकल निके भी बोलते हैं, अगर और नाम आ जाए प्री कॉम्पिटिटिव निके या फिर थ्योरेटिकल निके, थ्योरेटिकल निके, थ्योरेटिकल निके भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये होता है हमारा फंडामेंटल निके, जहाँ पे थ्योरेटिकल निके होता है। एक होता है रियलाइज्ड निके, एक होता है रियलाइज्ड निके। रियलाइज्ड निके क्या होता है, रियलाइज्ड निके होता है जहाँ पे कोई स्पीसीज ऑक्यूपाई होती है, कॉम्पिटिंग स्पीसीज जहाँ पे हो वहाँ पे कोई स्पीसीज अगर रह रही है तो उसको बोलते हैं रियलाइज्ड निके। इसको प्रैक्टिकल निके भी बोलते हैं। इसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों को देखा जाता है, इसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों को देखा जाता है, लेकिन फंडामेंटल निके में ओनली एबायोटिक फैक्टर्स को देखा जाता है, ओनली एबायोटिक फैक्टर्स को देखा जाता है। तो ये है फंडामेंटल निके और हमारा क्या नाम लेते हैं रियलाइज निके। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा आंसर हो जाता है ए, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर की है प्रलय मिसाइल को, तो हमें उसके बारे में बताना है, प्रलय मिसाइल के बारे में। तो सबसे पहले बोल रहे हैं इसको DRDO ने डेवलप किया, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई, जो प्रलय मिसाइल है इसको DRDO ने डेवलप किया। दूसरी, ये 350 से 500 किलोमीटर शॉर्ट रेंज सर्विस टू सर्विस मिसाइल है और इसकी पेलोड कैपेसिटी भी 500 से लेके 1000 जो KG तक है। सारी स्टेटमेंट क्या है हमारी, बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये अभी क्या है, सर्विस टू सर्विस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल सर्विस टू सर्विस, याद रखना ये अगर आ जाए बैलिस्टिक मिसाइल भी है, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल है ये सर्विस टू सर्विस। ये हमने किसके, मतलब क्या और भी कोई कंट्री है जिससे कंपेयर करके हमने, जिस किसी और कंट्री के पास हो वैसी हमने बना दी हो क्या, वैसी है बिल्कुल। दो मिसाइल्स, एक तो रशिया की, एक चाइना की, एक तो रशिया की और एक चाइना की। चाइना की उस मिसाइल का नाम है डोंग फैंग 12, ठीक है, और रशिया की मिसाइल है एक इस्कैंडर,
इस्कैंडर मिसाइल, ठीक है। तो ये मिसाइल से कंपेयर करके हमने ये अपनी मिसाइल बनाई है वैसी, ठीक है। तो इससे कंपेयर किया जा सकता है हमारी प्रलय मिसाइल को। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी प्रलय मिसाइल के बारे में सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है सी, क्योंकि हमसे पूछा था क्या करेक्ट आंसर कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 31 आंसर हो गया सी, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 पे हमें बताना है करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर हमें फूड चेन का बताना है, प्राइमरी प्रोड्यूसर से लेकर टॉप प्रेडेटर तक बताना है। तो भैया आपको ये पता होगा कि इसमें स्पीसीज कौन कौन सी है, तो आप इस क्वेश्चन को कर दोगे, अदरवाइज तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। जैसे कि डेजर्ट हेयर, डेजर्ट हेयर एक हर्बीवोर्स है, ये एक हर्बीवोर्स है। डेजर्ट विलो एक प्लांट है, ठीक है। डेजर्ट विलो क्या एक प्लांट है, तो ये पता चल जाएगा आपको कि सबसे पहले तो प्रोड्यूसर आएंगे, उसके बाद हर्बीवोर्स आएंगे, तो 2-1 आएगा सबसे पहले। सबसे पहले आएगा 2-1, तो केवल एक में ही दे रखा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया बी, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे ये आएंगे जो ये और दे रखे हैं, जो ये कोयोटे है, ये टॉप आता है फूड चेन में, हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पे आता है, ये फोक्स जैसा होता है, वैसा फोक्स जैसा होता है। फिर आता है ये फाल्कन, फाल्कन है ये हाई लेवल कार्निवोरस है, कार्निवोरस है ये, ठीक है। और स्नेक जो है वो तो सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर दोनों में आता है, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर दोनों में आ सकता है, ठीक है। तो ये है, तो क्वेश्चन नंबर 32 हमारा आंसर हो जाता है बी, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिनामाटा कन्वेंशन के बारे में बताना है, COP5 हुई थी मिनामाटा कन्वेंशन की जेनेवा में रिसेंटली, तो उसके बारे में बताना है। बोल रहे हैं कि मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी इज ग्लोबली बाइंडिंग ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ मरकरी, मरकरी के एडवर्स इफेक्ट से बचाने के लिए एक ग्लोबली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी हुई थी को ये वाली जो है क्या बोलते हैं इसको, मिनामाटा कन्वेंशन बिल्कुल हुई थी भाई। सेकंड बोल रहे हैं इंडिया ने इसको रेटिफाई कर रखा है, तो बिल्कुल इंडिया ने भी इसको रेटिफाई करा, तो वो भी 2018 में इंडिया ने इसको रेटिफाई किया। ये फोर्स में कब आई थी मिनामाटा कन्वेंशन, 2017 में फोर्स में आई थी। अडप्ट कब की गई थी, 2013 में अडप्ट की गई थी, 2017 में फोर्स में आई थी, 18 में इंडिया ने इसको ज्वाइन कर लिया था। दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा, COP5 में जो पार्टीज हैं वो एग्री हो गई हैं ऑन थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ 100 mg पर kg टोटल कंसंट्रेशन ऑफ मरकरी इन वेस्ट कंटेमिनेटेड विद मरकरी, मतलब इस पे एग्री हो गई। तो याद रखना अभी तक वैसे तो कोई लिमिट सेट नहीं की गई है, लेकिन फिर भी एक लिमिट है 15 mg पर kg की, ना कि 100 mg पर kg की, ठीक है। तो 15 mg पर kg की लिमिट सेट है, ना कि ये वाली लिमिट सेट है, तो ये स्टेटमेंट रहोंगे। तो थर्ड स्टेटमेंट रहोंगे, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, मैं बताने करेक्ट स्टेटमेंट, तो केवल दो स्टेटमेंट करेक्ट है, एक स्टेटमेंट वही रहूँगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया बी, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आएगा, COP5 हुई अभी इसकी 2023 में, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो क्वेश्चन नंबर 33 आंसर हो गया बी, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, ठीक है। 34 हमें क्या बोलता है, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के बारे में बताना, जो अभी हमने थोड़ी मतलब अभी नहीं थोड़ी देर पहले किया था। सबसे पहले, इट इज़ इंटर गवर्नमेंटल प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 1971 बाय यूनेस्को फॉर इंप्रूविंग पीपल्स रिलेशनशिप विद एनवायरनमेंट, पीपल के रिलेशनशिप को एनवायरनमेंट के साथ इंप्रूव करने के लिए जो मेनली ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम था, ये स्टार्ट किया, मेनली ये स्टार्ट किया गया था। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये इसलिए स्टार्ट किया गया था 1971 में। दूसरा, बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेशन क्राइटेरिया इंक्लूड लार्ज प्रोटेक्टेड कोर एरिया इनफ टू सस्टेन वायबल पॉपुलेशन रिप्रेजेंटिंग ऑल ट्रॉपिक लेवल, बिल्कुल। इट इज़ गवर्नड बाय ICC रिपोर्टिंग टू यूनेस्को, बिल्कुल ये सारी चीज़ें सही हैं। तो मैं बताने करेक्ट स्टेटमेंट, तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे इसके बारे में सही है, किसके बारे में, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन भी आया था कि भाई कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, मैंने बताया था कि भाई 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उसमें से जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंडर इंक्लूडेड है, उसी के बारे में मेनली आगे मतलब डिस्कस किया गया कि भाई वो क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारा आंसर हो जाता है सी, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। हमें बताना है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के डेफिनेशन के बारे में, क्राइटेरिया क्या है, मतलब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को कैसे डिक्लेयर किया जा सकता है। तो सबसे पहले है कि एटलीस्ट 1500 वेस्कुलर प्लांट्स और एनिमल्स एंडेमिक होने चाहिए। देखो, सबसे पहले 1500 वेस्कुलर प्लांट्स एंडेमिक होने चाहिए, एनिमल्स नहीं, ठीक है। ये एनिमल्स गलत लिख रखा है, 1500 वेस्कुलर प्लांट्स वो होने चाहिए एंडेमिक, ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड बोल रहे हैं, इट मस्ट हैव 30% और लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इसमें ओरिजिनल पॉपुलेशन जो है वो 30% या उससे कम होनी चाहिए, तब उसको क्या माना जाएगा, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना जाएगा। और टोटल वर्ल्ड में 36 रीजन्स है जहाँ पे मतलब ऐसी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 आंसर हो गया, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड वाली, और फर्स्ट स्टेटमेंट रहोगे, तो हमारा आंसर क्या होता है बी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 35 आंसर हो गया बी, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में बताना है, सबसे पहले है दे आर नोटिफाइड एज नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बोल रहे हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इनको इसके अंडर इंक्लूड किया गया है, किसके अंडर, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, या तो इनको नेशनल पार्क इंक्लूड किया गया या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर।
दूसरे बोले कोस्टल और मेरीन एरियाज आइडेंटिफाइड और प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट कोस्टल और मेरीन एरिया में बाई वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्या वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इनको किया है? तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि भाई 106 कोस्टल और मेरीन साइट्स को आइडेंटिफाई करा गया, प्रायोरिटाइज किया गया इंपॉर्टेंट कोस्टल और मेरीन एरिया में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया क्या होता है? एक ओशन का एक ऐसा सेक्शन जहाँ पे गवर्नमेंट्स ने कुछ ह्यूमन एक्टिविटी पे लिमिट लगा रखी है, उसको बोलते हैं मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया। करंटली एस्टिमेटेड अगर बात करें ओशन का कितना परसेंट मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया है, टोटल ओशन का 7.65% जो है मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया हमारा, ठीक है, ओशन का, ठीक है। तो करंटली 7.65% जो ओशन है वो मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है, हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट। तो दोनों स्टेटमेंट सही है तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? सी, ठीक है भाई। ये देखो, ये सारे हैं मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया इंडिया के अराउंड, जो है वर्ल्ड के नहीं बता रही, केवल इंडिया के अराउंड जो है वो बता रही हूँ, ठीक है। तो इंडिया के अराउंड कौन कौन से मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया है? ये देखो, गल्फ ऑफ कच्छ हमारा मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया, फुदुम सेंचुरी कहाँ पे है गुजरात में, ये भी हमारी क्या है मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया। थाने क्रिक फ्लेमिंगो सेंचुरी, मालवान मैरीन सेंचुरी, चोराओ आइलैंड सेंचुरी गोवा में है, पिट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गल्फ ऑफ मन्नार तो आप बता ही दोगे, पॉइंट कैलिमर भी बता दोगे, पुलिकट भी बता दोगे, कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बता दोगे, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बता दोगे, चिल्का लेक, गहिर माथा, बहितर करनिका, सुंदरबंस, ठीक है, लोधियन आइलैंड, देखो ये याद कर लेना, लोधियन आइलैंड, हलिदे आइलैंड, सज्जन खाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये जो अंडमान एंड निकोबार में है इसको कहीं से निकाल के भाई अच्छे से देख लेना अगर यहाँ पे आपको साफ ना दिख रहे हो, रट लो इनको, ये कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं, कौन सी जो ये मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया किस स्टेट में पाया जाता है, ध्यान रख लेना इसको, ठीक है। मैंने मोटा मोटा दिखा दिया, एक बार इसको बस रोक के और देख लेना और याद कर लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता हमारा कंप्लीट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 36 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे, इट इज़ अ नॉक्टर्नल बर्ड फाउंड ओनली इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के केवल नॉर्थन पार्ट में पाया जाता है और नॉक्टर्नल बर्ड है। फ्लैगशिप स्पीसीज है फॉर स्कर्ब जंगल विच इज़ अंडर एक्सट्रीम थ्रेट। स्पीसीज को एक्सटिंक्ट माना जा रहा है अंटिल 1986 में रीडिस्कवर किया है, उससे पहले उसको एक्सटिंक्ट माना जाता था। ये नए पास्चर्स की थ्रेटेंड क्रिएशन है और ड्राई लैंड क्रॉप्स प्लांटेशन और एक्जोटिक ट्रीज में ये वो होती है। तो किसके बारे में बात चल रही है? बात चल रही है जॉर्डन कुजियर के बारे में, ठीक है, इसके बारे में बात चल रही है। तो ये सारे फीचर्स हमारे उसके बारे में बताए गए हैं, ठीक है, इसके बारे में तो कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा बी, क्वेश्चन नंबर 37 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 38 पे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका एक्सपीरियंसेस इंक्रीज रेनफॉल ड्यूरिंग दी विच ऑफ़ दी फॉलोइंग वेदर फिनोमिना। बोल रहे हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बारिश कब होती है, मेन चीज़ यही पूछ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, अल नीनो ला नीना पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल। देखो भाई, आप सभी को पता है अल नीनो में क्या होता है, जो हमारा जो साउदर्न अमेरिका का जो एरिया है वो क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है। तो जो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है वो क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, वहाँ पे बारिश नहीं होती। वहाँ बारिश नहीं होती तो जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है, तो यहाँ पे बारिश होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि भाई फर्स्ट अल नीनो होगा तो बिल्कुल हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे बारिश होगी, ठीक है। ला नीना उसका उल्टा होता है, इसका मतलब वहाँ पे उससे बारिश नहीं होगी। पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल का मतलब होता है कि भाई बिल्कुल हमारे हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे बारिश हो रही है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंडियन डाइपोल में क्या होता है, जो हमारा जो वेस्टर्न इंडियन ओशन है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा वार्म हो जाता है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न इंडियन ओशन। तो वेस्टर्न इंडियन ओशन में जो है वो ज़्यादा क्लाउड्स बनते हैं और ज़्यादा क्या नाम लेते हैं बारिश होती है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल में ज़्यादा बारिश होती है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव इंडियन डाइपोल। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो पहले दो स्टेटमेंट सही हैं, दो स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताएं तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो गया ए, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। लास्ट टेस्ट था उसमें आपको बताया था वॉकर सर्कुलेशन के बारे में, साउदर्न ऑसिलेशन के बारे में, ठीक है, अल नीनो के बारे में, ला नीना के बारे में सारे बता दिए, ध्यान रख लेना इनको। तो क्वेश्चन नंबर 38 हमारा आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, हमें बताना है ESI स्कीम के बारे में, ESI स्कीम के बारे में। तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि ठीक है, दी वेज सीलिंग फॉर कवरेज ऑफ एम्प्लॉय अंडर ESI इज़ 15,000। बोल रहे हैं कि जो इसमें वेज सीलिंग है वो 15,000 है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, इसकी जो वेज सीलिंग है ना वो है 21,000। कितनी है? 21,000, ना कि ये वाली है। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है कि ये है, तो 21,000 है। सेकेंड है, बोथ इम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूट इक्वली टू दी कंट्रीब्यूटरी फंड अंडर ESI। देखो, इसमें जो इम्प्लॉय है वो
0.75% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन जो एम्प्लॉयर है वो 3.25% कंट्रीब्यूट करता है। तो ऐसा नहीं है दोनों इक्वल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, नहीं, दोनों इक्वल कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं इसमें। थर्ड है ESIC विच इम्प्लीमेंट्स द ESI स्कीम फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बोल रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ESIC जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, पहले तो ESIC एक्ट के अंडर बनी है, लेकिन ये किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर। किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर काम करती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग दे रखी है, तो ESIC के बारे में तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग दे रखे हैं, तो हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट कोई भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। तो क्वेश्चन नंबर 39 आंसर हो गया, डी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। GST के बारे में बताना है, किसके बारे में? GST के बारे में बताना है, ठीक है, GST के बारे में बताना है। सबसे पहले है ए कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ मोर देन 50,000 इज रिक्वायर्ड टू जनरेट एन ई वे बिल फॉर मूवमेंट बिटवीन टू स्टेट्स विद इन अ स्टेट। तो भाई तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है कि कंसाइनमेंट वैल्यू जिसकी 50,000 से ज़्यादा वैल्यू है उसमें उसको उसके लिए आपको ई वे बिल जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है विद रिगार्ड टू इंट्रा स्टेट मूवमेंट, अगर है किसी गुड का तो ईच स्टेट इज़ फ्री टू चूज द थ्रेश होल्ड वैल्यू फॉर ई वे बिल जनरेशन। बिल्कुल, वो उसमें स्टेट्स पे के ऊपर है कि वो कितनी वैल्यू को में ई वे बिल को जनरेट करवाना चाहती हैं। तीसरा, नो ई वे बिल इज रिक्वायर्ड फॉर गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाई नॉन मोटराइज्ड कन्वीनियंस। अगर नॉन मोटराइज्ड कन्वीनियंस हो रहा है तो उसके लिए ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही, तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, ई वे बिल के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, सी, ठीक है। तो बस ये था, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 40 आंसर हो गया, सी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। आइसोनियाज़िड रिफामपिन और जो भी ये दवाई का नाम लिख रखा है इथैमबुटोल, तो ये किसके लिए है? भाई देखो, ये मेरे ख्याल से पहले भी हम करवा चुके हैं, तो ये किसके लिए हैं? ये है टीबी के लिए, टीबी की मतलब सॉरी ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए जो मेडिकेशंस हैं वे हैं ये, ठीक है, तो उसके लिए ये दवाई है उसके लिए, ठीक है। टीबी के बारे में क्यों बात करूँ? क्योंकि अभी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 आई थी। कौन सी रिपोर्ट आई थी? ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 आई थी। किसने निकाली थी? WHO ने निकाली थी। उसमें बोला था कि टोटल वर्ल्ड के केसेस के 27% टीबी केसेस इंडिया में हैं। अगर मान लो पूरे वर्ल्ड में 100 केसेस आ रहे हैं ना टीबी के, तो 27 केसेस तो केवल और केवल उसमें से इंडिया के ही हैं, ठीक है। और अगर बात करें अभी तो इंडिया में डायग्नोसिस मतलब हो गई है काफ़ी, मतलब कम, ठीक है, ठीक है, ये उसकी दवाई बता रखी है। इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस जो है वो इस बीमारी को कोज करता है। और अगर बात करें ओनली लाइसेंस्ड वैक्सीन अवेलेबल है जो टीबी के लिए, केवल एक ही है, उसका नाम है बैसिली कैलमिटी ब्यूरिन। क्या नाम है? बैसिली कैलमिटी ब्यूरिन, ठीक है, तो यही केवल एक वैक्सीन अवेलेबल है इसके लिए, तो ये भी ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 41 आंसर हो गया, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताना है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले है कि इट वॉज फॉर्म्ड इन 1971 फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, लिविंग इन हार्मनी विद द नेचर। तो ये सबसे पहले उसके लिए किया गया था, बिल्कुल इसी के लिए किया गया था 1971 में, जो वर्ल्ड नेटवर्क फॉर बायोस्फीयर रिजर्व क्रिएट किया गया था। बोले 50% से ज़्यादा नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व जो है इंडिया में वो इसका पार्ट है, 50% से ज़्यादा। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही, मैंने बताया था आपको 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का पार्ट है। तो बिल्कुल 50% से ज़्यादा हो गए, तो बिल्कुल 50% से ज़्यादा नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व जो है इंडिया में वो वर्ल्ड नेटवर्क को बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। थर्ड बोल रहे सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, मैं ये भी बता चुकी हूँ सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु कर्नाटक केरल के बीच में जो है वो सबसे पहला था, 2000 में क्रिएट किया गया था, ना कि सुंदरबन। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो तीसरा रॉन्ग है, पहले दूसरा करेक्ट है, तो हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट, तो दो स्टेटमेंट करेक्ट है, एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या हो गया अभी, ठीक है। तो वैसे बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें टोटल वर्ल्ड में तो 748 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, हमारे इंडिया में 18 है, जिसमें से 12 इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, और वो भी मैंने दिखा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 42 आंसर हो गया, अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। रिसेंटली इंडिया हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड प्रोसेस फॉर रेड सैंडर्स, तो उसके बारे में बताना है। रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है WTO ने।
सेकंड बोल रहे हैं रेड सेंडर जो है वो शेड्यूल वन में लिस्टेड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, और तीसरा बोल रहे हैं रेड सेंडर जो है वो एंडेमिक है साउथ इंडिया के। तो भाई ये देखो जो रिव्यू है सिग्निफिकेंट ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम का, वो लॉन्च किया गया था WTO ने। देखो WTO ने लॉन्च नहीं किया, साइट्स के सेक्रेटरीट ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। साइट्स के सेक्रेटरीट ने इसको लॉन्च किया है, तो सबसे पहले WTO ने इसको लॉन्च नहीं किया। दूसरी चीज़ बोल रहे हैं कि शेड्यूल वन में आता है रेड सेंटर, नहीं शेड्यूल फोर में आता है। किस में आता है? शेड्यूल फोर में आता है हमारा रेड सेंटर जो है ना, शेड्यूल फोर में आता है। तीसरी चीज़ रेड सेंटर एंडेमिक साउथ इंडिया से, बिल्कुल ये सही है कि ये साउथ इंडिया से एंडेमिक है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इंडिया में रेड सेंटर का जो एक्सपोर्ट है वो अलाउड है, लेकिन ये जो होना चाहिए वो प्राइवेटली कल्टीवेटेड या आर्टिफिशियली प्रोपेगेटेड लैंड से होना चाहिए। वाइल्ड से मतलब जीरो एक्सपोर्ट करता है, वाइल्ड से आप काट के रेड सेंडर्स को नहीं एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि प्राइवेटली लैंड या फिर प्राइवेट या फिर आर्टिफिशियली प्रोपेगेटेड जो रेड सेंडर है उसी को आप दे सकते हो। IUCN में इसका क्या स्टेटस है? इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। IUCN में किस में आता है? इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। साइट्स का तो आपको पता ही है, फोर्स में आता है 1975 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो यही है, तो क्वेश्चन नंबर 43 हमारा आंसर क्या हो गया? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट है और दो स्टेटमेंट राइट होंगे, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए। तो क्वेश्चन नंबर 43 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के बारे में बताना है। इट वॉज अडॉप्टेड ड्यूरिंग 16th मीटिंग ऑफ CBD, ठीक है। CBD की COP 16 में सबसे पहले तो ये अडॉप्ट किया गया था। दूसरी चीज़, इट एस्पायर्स टू रिस्टोर 30% ऑफ डिग्रेडेड लैंड्स एंड मैरीन एरियाज बाई 2030, और इट टारगेट्स टू रिड्यूस द रेट ऑफ इंट्रोड्यूस्ड इन्वेसिव स्पीसीज बाई 50% बाई 2030। तो ध्यान रखना भाई, ये कुनमिंग जो मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, ये COP 15 में मतलब अडॉप्ट किया गया है, ना कि COP 16 में, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरी चीज़, इट ये एस्पायर कर रहा है 30% डिग्रेडेड लैंड एंड मैरीन एरिया को रिस्टोर करने की बाई 2030, बिल्कुल ये इसका टारगेट है 13-30 जिसको बोल रहे हैं, और इट टारगेट्स टू रिड्यूस रेट ऑफ इंट्रोड्यूस्ड इन्वेजिव स्पीसीज बाई 50%, बिल्कुल 2030 तक 50% इन्वेजिव जो स्पीसीज इंट्रोड्यूस हैं उनको घटाने की भी बात है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, और कंट्रीज इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर 5 साल में मॉनिटर की जाती हैं, हर 5 साल में मॉनिटर की जाएंगी। तो यही है, COP 15 में इसको लॉन्च किया गया था, तो ये स्टेटमेंट रहूँगा। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 44 दो स्टेटमेंट करेक्ट बतानी है, तो दो स्टेटमेंट करेक्ट है, एक स्टेटमेंट रहूँगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया अभी, ठीक है। आंसर क्वेश्चन था, जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है न्यूट्रिएंट और ये कहाँ पे मेनली पाया जाता है, ठीक है भाई। सबसे ज़्यादा क्या कहाँ पे पाया जाता है? सबसे पहले है कार्बन, ठीक है। सबसे पहले कार्बन सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? याद रखना है डीप ओशंस में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? डीप ओशंस में पाया जाता है। फिर है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कहाँ पे पाया जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। फिर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या ओशंस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन एटमोसफेयर में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे ही गलत दे रखे हैं, जो मैक्सिमम जहाँ पे पाया जाता है। तो हमें पता नहीं करेक्टली मैच, तो करेक्टली मैच तो एक भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी, ठीक है। आसान सा था क्वेश्चन नंबर 45, आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। इंडियन एलिफेंट्स के बारे में बताना, देख लेते हैं। सबसे पहले इट इज़ नेशनल हेरिटेज एनिमल, और इट इज़ डिपिक्टेड ऑन द फ्रिज ऑफ सर्कुलर एबेस्कस ऑफ स्टेट एम्बलम। स्टेट एम्बलम के इस एबेस्कस पे है ये, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है भाई, इसके एबेस्कस पे नेशनल हेरिटेज एनिमल भी है। एलिफेंट सेंसस इज कंडक्टेड वंस इन 5 ईयर्स। एलिफेंट सेंसस जो है हर 5 साल में एक बार किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है कि भाई हर 5 साल में एक बार एलिफेंट सेंसस किया जाता है। बोल रहे हैं कि अराउंड 50 एलिफेंट रिजर्व कंट्री में, नहीं हमारी कंट्री में अप्रोक्स 33 एलिफेंट रिजर्व हैं। कितने हैं? 33 एलिफेंट रिजर्व हैं, 50 नहीं है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट रहूँगा, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट ही बतानी है, तो केवल दो स्टेटमेंट करेक्ट है, एक स्टेटमेंट हमारी रहूँगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया अभी। एक प्रोजेक्ट एलिफेंट भी चल रहा है, मेरे ख्याल से सुना होगा प्रोजेक्ट एलिफेंट, एक है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। कब चली थी? 1992 में, ठीक है। 1992 में एलिफेंट को बचाने के लिए एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्रिएट की गई, प्रोजेक्ट एलिफेंट, जिसमें उसके हैबिटेट को, कॉरिडोर्स को, खुद एलिफेंट्स को बचाएगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो यही है, 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं माइक की साइट्स में इंडिया में। और अगर हम देखो इसके IUCN स्टेटस की बात करते हैं, IUCN स्टेटस की बात क्या करते हैं, एक होता है एशियन एलिफेंट। एशियन एलिफेंट जो है ना वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, वो स्मॉल भी होता है हाइट उसमें, ठीक है। एक होते हैं अफ्रीकन एलिफेंट। अफ्रीकन एलिफेंट भी दो टाइप के होते हैं, एक फॉरेस्ट, एक तो सवाना में जो रहते हैं, एक होते हैं फॉरेस्ट में जो रहते हैं। जो सवाना में रहते हैं वो आते हैं इंडेंजर्ड कैटेगरी में, और जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो आते हैं क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ ध्यान रखना, एशियन एलिफेंट के बारे में और अफ्रीकन एलिफेंट के बारे में, ठीक है। एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट के बारे में पता चल गया।
हाईएस्ट, अब देखो अब आगे मतलब ये हो गया एलिफेंट के बारे में, तो IUCN स्टेटस है, अब 33 एलिफेंट रिजर्व है। अब सबसे ज़्यादा एलिफेंट रिजर्व किस स्टेट में है, आज मैंने बताया भी है, तमिलनाडु और आसाम में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद केरल उड़ीसा में है। सबसे ज़्यादा एलिफेंट का नंबर कहाँ पे है ये भी मैंने आज ही बताया, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा नंबर है, फिर हमारे आसाम है, फिर हमारा केरला है, ठीक है। हाईएस्ट एलिफेंट कॉरिडोर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, हाईएस्ट एलिफेंट कॉरिडोर्स आ जाए तो हाईएस्ट एलिफेंट कॉरिडोर्स कहाँ पे है, तो ये वेस्ट बंगाल में, कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। तो क्वेश्चन नंबर 46 आंसर हो गया, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। और इंडियन एलिफेंट किस कैटेगरी में आता है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में। तो क्वेश्चन नंबर 46 आंसर हो गया, अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोलता है, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू। इफ़ द नंबर ऑफ सी ओटर्स इंक्रीज इन अ कोस्टल मैरीन इकोसिस्टम द केल्प फॉरेस्ट टेंड टू ग्रो रैपिडली इन दैट एनवायरनमेंट, तो केल्प फॉरेस्ट वहाँ पे जो है वो अच्छे से ग्रो करने लगेंगे। तो क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि अगर हमने क्या कर दिया, सी ओटर्स को इंक्रीज कर दिया कोस्टल मैरीन एनवायरनमेंट में, तो जो केल्प फॉरेस्ट है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। याद रखना उल्टा होगा, क्योंकि ये इसको वो नहीं कराने देंगे, ठीक है। तो अगर सी ओटर्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है कोस्टल मैरीन इकोसिस्टम में, तो केल्प फॉरेस्ट जो है वो घट जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, और फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होती थी केवल एक ही चीज़ इसमें ऐसी है आंसर में जो आप लगा सकते हो, फर्स्ट इनक्रेज सेकंड करेक्ट, मतलब सेकंड करेक्ट है मतलब टॉप डाउन ट्रॉपिक कैस्केड में जो पॉपुलेशन में जो चेंजेस है टॉप प्रीडेटर में अल्टर, क्या बोल रही हूँ मैं, इन ए टॉप डाउन ट्रॉपिक कैस्केड चेंजेस इन पॉपुलेशन ऑफ टॉप प्रीडेटर अल्टर्स द फूड वेब डायनेमिक्स ऑफ लोअर ट्रॉपिक लेवल। बिल्कुल देखो, अगर मतलब टॉप डाउन अगर कोई ट्रॉपिकल लेवल बना हुआ है, तो अगर हम टॉप की पॉपुलेशन को चेंज कर देंगे, प्रीडेटर को चेंज कर देंगे, अल्टर कर देंगे, तो जो फूड वेब की जो डायनेमिक्स है वो लोअर ट्रॉपिक लेवल की वो भी चेंज हो जाएगी, भी ये बोल रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, तो वो चेंज हो जाएगी, ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर 47 हमारा आंसर क्या हो गया, डी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमें बताना है ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन के बारे में। सबसे पहले इट इज़ इनिशिएटिव ऑफ UNEP, देखो सबसे पहले जो ये इनिशिएटिव है ये है हमारा किसका, ये है हमारा वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, किसका है, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का है। सेकंड, द बुलेटिन शोज द ग्लोबल एवरेज सरफेस मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 मिथेन एंड N2 एंड कंपेयर्स देम विद प्रीवियस ईयर्स एंड प्री इंडस्ट्रियल लेवल, ये बिल्कुल सही है, उसके साथ कंपेयर करता है। थर्ड बोल रहे हैं ये सेमी एनुअली नहीं, ये एनुअली पब्लिश किया जाता है, याद रखना ये क्या किया जाता है, एनुअली पब्लिश किया जाता है, एनुअली सिंस 2006 ये एनुअली ही पब्लिश किया जाता है, ठीक है, 2006 से। तो क्वेश्चन नंबर 48 आंसर हमारा क्या हो गया, दोनों दो स्टेटमेंट गलत है, एक स्टेटमेंट सही है, तो हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट, तो केवल एक स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए। इसके बारे में थी ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन के बारे में, कौन रिलीज़ करता है, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ करती है, एनुअली रिलीज़ करती है, और क्या क्या उसमें मापा जाता है ये भी हमने देख लिया। तो क्वेश्चन नंबर 48 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 49 पे। 49 हमें क्या बोलता है, ब्लेचले डिक्लेरेशन किसके लिए, भाई जल्दी बताओ ये ब्लेचले डिक्लेरेशन किसके लिए है, जल्दी बताओ किसके लिए है, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन किसके लिए है, AI के लिए है, ठीक है। ब्रिटेन गवर्नमेंट ने इसको वो रिलीज़ किया है, ठीक है, ये डिक्लेरेशन साइन हुई है, इंडिया और काफ़ी सारे कंट्री थे इसमें, जैसे कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, US, मतलब थे। जो फर्स्ट डे था UK AI समिट का 2023 में, ब्लेचले जो पार्क था इंग्लैंड का, वहाँ पे वो की गई थी, 23 कंट्रीज़ ने इसको साइन किया था, उसके लिए थी ये, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये भी उसके लिए, तो क्वेश्चन नंबर 49 आंसर हो गया ए, ब्लेचले डिक्लेरेशन किसके लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए है। हिरोशिमा AI प्रोसेस, ये भी AI के लिए, हिरोशिमा AI प्रोसेस, ये भी AI के लिए। तो ये हिरोशिमा AI प्रोसेस किस कंट्री की है, G7 कंट्रीज़ की है, ठीक है, AI को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, AI इसको इम्प्रूव करने के लिए। नेशनल AI पोर्टल बनाया हमने, नेशनल AI पोर्टल कौन सा है, एरावत, शायद सुना भी होगा, नेशनल AI पोर्टल क्या है, एरावत, ठीक है, एरावत है। और एक UAE पोर्टल भी हमने बनाया, UAE पोर्टल भी बनाया, बस यही है, कुछ इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। और GPAI भी लॉन्च किया गया है, GPAI शायद सुना होगा आपने, इंडिया ने लॉन्च किया, 2024 में लॉन्च किया है, और इंडिया लेड इनिशिएटिव 2024 में आया है, और क्या नाम लेते हैं, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी इसके लिए साइन हुआ है, GPAI के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 40, ये सारे AI के लिए ही थे, तो क्वेश्चन नंबर 49 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमें बताना है किसके बारे में, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की क्या क्या अप्रोचेज है। जर्म प्लाज्म बैंक से कंजर्व किया जा सकता है, टिश्यू कल्चर से कंजर्व किया जा सकता है, क्रायो प्रिजर्वेशन से कंजर्व किया जा सकता है, DNA क्लोन से कंजर्व किया जाता है, सारों से किया जा सकता है। तो हमें बताना, अच्छा बताना, इन विट्रो कहाँ पे किया जाता है,
इन विट्रो कहाँ पे किया जाता है, तो इन सब में इन विट्रो ही किया जाता है, ठीक है। ये सारे आर्टिफिशियल मेथड है, इन सब में इन विट्रो ही किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 एंड हमारा आंसर क्या हो गया, डी, ठीक है। तो ये सारे ही जो मेथड थे ये हमारे इन विट्रो कल्टिवेशन के थे, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। तो ये टोटल आज के हमारे जो 50 क्वेश्चन हो जाते हैं वो जाते हैं कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।